मंजू कुमारी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कनेक्ट हो जाएंगे सभी। तरिमा सेठ, गुड आफ्टरनून। हिमांशी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सुनीता, गुड आफ्टरनून। चलिए पहला क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड द डिजिटल इनोवेशन एलियंसेस प्रोग्राम रिसेंटली। हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन एलियंस कार्यक्रम किसने शुरू किया है? सुभद्रा द्विवेदी। मॉर्निंग की क्लास में नहीं थे सुभद्रा जी? मॉर्निंग क्लास में नहीं थे आप? तनिमा सेठ। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। क्या? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। इन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और डिजिटल इनोवेशन एलियंस लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, कौन सा है? सुनीता जी, फोर्थ का डी बता रहे हैं? फोर्थ कहां से आ गया भाई? ज्योत्सना चक्रवर्ती, गुड आफ्टरनून। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड इट्स बेब पब्लिकेशन? बेब पब्लिकेशन टाइटल है उसका स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 कवरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। किसने रिलीज किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग। तो ध्यान रखना, बैंकिंग से रिलेटेड जो हायर अथॉरिटी है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्योंकि आरबीआई को हम बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहते हैं, सभी बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, तो आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर है सेकंड, आरबीआई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं ईसीटीए, बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री केम इन टू इफेक्ट? जो ये एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है? रसिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया,
इन दोनों के बीच में हुआ है एग्रीमेंट, जिसे हम कह रहे हैं ईसीटीए। व्हाट इज द एग्रीमेंट? ईसीटीए। गुड आफ्टरनून शांता त्रिपाठी। सुनीता, आरबीआई बता रहे हैं, वेरी गुड। आगे फिफ्थ वन, ब्राजीलियन फुटबॉल लीजेंड एडसन रैंटिस डू नाशिमेंटो फेमसली कॉल्ड हैज पास्ड अवे एज्ड 82। ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो, जिन्हें के नाम से जाना जाता है, का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कौन है वो? पेले। ठीक है, पेले। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट विथ ग्राउंड प्लस वन कॉन्फिगरेशन फॉर सोल्जर्स। भारतीय सेना में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? अहमदाबाद, कैंट। अहमदाबाद, कैंट। ठीक है, अहमदाबाद कैंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइबल मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, जनजातीय मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और एमेजॉन। तो एमेजॉन हो जाएगा इसका सही आंसर। एमेजॉन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे, हु हैज इनॉगरेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री साइलम टेम्पल, एट श्री साइलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश। हु हैज इनॉगरेटेड, किसने शुभारंभ किया है? उद्घाटन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजेंद्र, राजनाथ सिंह और द्रौपदी मुर्मू। तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नाइन्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द स्टेट मेडिकल कॉलेज। स्टेट का नाम बताना है आपने। किस राज्य सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा इसका। नाइन्थ वन, यूपी। ठीक है, आगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड अटल सम्मान अवार्ड। अटल सम्मान अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया है? अटल सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? जयंती प्रसाद, राजीव कुमार और प्रभु चंद्र मिश्रा और राजर्षि गुप्ता। तो प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला है। तो अटल सम्मान अवार्ड प्रभु चंद्र मिश्रा, अटल सम्मान अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, विच आईआईटी हैज वॉन द वॉर्टन क्यूएस रीमेजिन
एजुकेशन अवार्ड्स एट द वॉर्टन कैंपस फिलेडेल्फिया यूएसए। किस आईआईटी ने वॉर्टन कैंपस फिलेडेल्फिया यूएसए में वॉर्टन क्यूएस रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ये जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनल सेल कोविड वैक्सीन टू रिसीव अप्रूवल फॉर द प्राइमरी टू डोज शेड्यूल एज वेल एज हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित निम्नलिखित, ये कंपनी का नाम याद रखना है, वैक्सीन किसने बनाई है, वो भारत बायोटेक निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा वो टीका प्राथमिक दो खुराक अनुसूची के साथ साथ जो है सम बूस्टर खुराक के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला इंटरनल कोविड टीका बन गया है? तो ये जो हो जाएगा इनकोवैक, इनकोवैक। इन कोवैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स नॉट इन्वॉल्विंग मनी एज पार्ट ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कोई खेल आयोजनों के हिस्से के रूप में ई स्पोर्ट्स करने के लिए नोडल मंत्रालय था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, और मिनिस्टर कौन है इसके, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, ठीक है। फोर्टीन। वर्ल्ड क्लास कायाकिंग कैनोइंग अकेडमी टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, हाँ जी सही है ललिता, अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, रिसेंटली धर्मेंद्र धर्मदान, रिसेंटली धर्मदान बिकम द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। धर्मदान इज द टाउन ऑफ विच स्टेट? हाल ही में धर्मदान भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। धर्मदान किस राज्य का शहर है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश। पंद्रहवे का ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होगा जी, ए नहीं होगा। सिक्सटीन। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड? ये हमने, वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन लास्ट क्लास ऑल्सो।
हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022? ऑलिवर स्टोन, ऑलिवर स्टोन, ऑलिवर स्टोन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलें। 17. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, NHAI के न्यू चेयरमैन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स? एमएसएमई प्रेरणा, एमएसएमई प्रेरणा, ये कार्यक्रम किस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा नाम का प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया है, सेकंड हो जाएगा इसका, इंडियन बैंक। ठीक है, आगे, स्टेज इज ऑल सेट इन टू रीनेम टू प्लेसेस आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट गॉट द अप्रूवल बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। यूनियन होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद किस राज्य ने दो जगह का नाम बदलने के लिए फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ट्वेंटी, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फॉक्स इन द रोड, माई डेज इट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये किताब का नाम है फॉक्स इन द रोड, टाइटल है इसका माई डेज इट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? डी सुब्बा राव, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। बाईवी रेड्डी, ये भी गवर्नर रह चुके हैं। सी रंगराजन भी, रघुराम राजन भी। तो ये बुक लिखी है सी रंगराजन ने, किसने? सी रंगराजन। सी रंगराजन ने ये बुक लिखी है, ठीक है। ट्वेंटी वन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिलीज्ड अ यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस राइडर कॉल्ड रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर? ये रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर ये किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिलीज किया है? बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, अबीवा लाइफ इंश्योरेंस, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज। तो बजाज आलियांज ने ये रिलीज किया है, ठीक है, क्या? रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। आगे, नेक्स्ट, 22. विच ऑफ द फॉलोइंग विल सून इंट्रोड्यूस बीमा बख्श, बीमा इन ईच ग्राम पंचायत? निम्न में से कौन सी वो किसने
निम्न में से किसने बीमा वाहक, क्या बीमा वाहक शुरू किया है? आईसीआईसीआई बैंक, नो। नीति आयोग, नो। सेबी, नो। इरडा, यस। आईआरडीए, आईआरडीए। तो ध्यान रखना, जो आईआरडीए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम इरडा करता है, आईआरडीए। ट्वेंटी थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वन ऑफ इट्स काइंड म्यूजिकल इवेंट जिसका नाम है डांस टू डीकार्बनाइज, डांस टू डीकार्बनाइज नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? किसने किया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपनी तरह के संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बनाइज नेशनल स्टेडियम का आयोजन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। 24, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स आरबीआई हैज मैंडेटेड बैंक्स इन द कंट्री टू रिन्यू देयर लॉकर एग्रीमेंट विथ एग्जिस्टिंग लॉकर कस्टमर्स बाई विच डेट, किस तारीख तक? भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बैंकों को मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौते को किस तारीख तक नवीनीकृत करने का आदेश दिया है, रिन्यू कराने का? हमारे आपके लॉकर होते हैं बैंक में, जहां पर गोल्ड रखते हैं, तो उन लॉकर्स को रिन्यू कराना है किस तारीख तक? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है किस तारीख तक कराना है? 1 जनवरी 2023 तक कराना था, 1 जनवरी 2023 तक कराना था, निकल गया, क्योंकि ये दिसंबर के करंट अफेयर हैं, निकल गया। ठीक है जी। 25, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2022 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2022 प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर, 28 दिसंबर। इज रैंक्ड ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बेस्ट कुशाइंस फॉर 2022 अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस। टेस्ट एटलस के अनुसार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फिफ्थ, सर्वश्रेष्ठ व्यंजन, फिफ्थ पोजीशन। ट्वेंटी सेवन, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस 13th एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022? ये वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो। प्रतिष्ठित 30वें एकलव्य वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्वास्ति सिंह। स्वास्ति सिंह, ठीक है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ फ्लिपकार्ट? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है? फ्लिपकार्ट में सबसे ज्यादा शेयर कौन सी कंपनी का है? वॉलमार्ट।
वॉलमार्ट। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल इंस्टॉल अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य है जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 30, विच प्रिजन वॉज अवॉर्डेड अ 5-स्टार रेटिंग एंड द टैग ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस का टैग मिला है बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। किस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा रेटिंग और टैग ईट राइट कैंपस से सम्मानित किया गया है? कौन सी जेल है वो? तो बुलंदशहर की जेल। बुलंदशहर, दुर्गा देवी। बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी लेट ज्वाइन किया है तो एक बार देख लें, कोई डाउट तो नहीं है। थर्टी डी, ओके ओके फाइन। थर्टी वन, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ निगलेरिया फॉलेरी, कॉमनली रिफर टू एज अ ब्रेन ईटिंग एमोविया, अमीबा। फाउलेरी के अपने पहले मामले की सूचना दी है जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। किसने दी है? साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया। ठीक है, 32, हु हैज एड्रेस्ड द 75th अमृत महोत्सव ऑफ श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट रिसेंटली। हाल ही में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। थर्टी थ्री, सितवेनी राबुका हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सितवेनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? फिजी। फिजी का बनाया गया है। 34, द गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड 25th दिसंबर, बर्थडे ऑफ, बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर
फॉर्मर पीएम, बर्थडे ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। दिसंबर 35। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल इन द बिलो 9 ईयर्स कैटेगरी। निम्नलिखित में से किसने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो गीटो सोरा। ठीक है, 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022? फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022 में टॉप पर कौन रहा है? ब्राजील। 37। SBI फंड्स मैनेजमेंट हैज अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया है SBI ने एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट? रोनका सिंह, शमशेर सिंह और शिखर अग्रवाल, प्रवल अरोला। शमशेर सिंह। 38। अनुराग ठाकुर इनॉगरेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हेयर इट MG स्टेडियम इन उडुपी, कहां पर? तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। कर्नाटका। 39। हु हैज बॉर्न द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22? हु हैज बॉर्न द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22? सुदीप सेन एंड शोभना कुमार, चेतन भगत एंड अमृता प्रीतम और जुम्पा लहरी एंड कुशवंत सिंह, आर के नारायण एंड रस्किन बॉन्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? 39। तो 39 जीता है जी, पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सुदीप सेन एंड शोभना कुमार। 40। एवरी ईयर ऑन इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल कंज्यूमर डे, भारतीय ग्राहक दिवस। नेशनल कंज्यूमर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इट विच डेट वी सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर डे? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस। तो ध्यान रखना 24th December, रिमेंबर 24th December, ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर डे इन इंडिया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, ऐप पर अपलोड है, अपलोडेड।
करंट अफेयर्स एमसीक्यू विद आंसर। January 2023 डन। प्लीज डाउनलोड एंड लर्न दोज थिंग। December 2022 डन। November 2022 डन। October 2022 done. 4 months current affair. Please study these current affairs properly. Okay. And apart from this, I'll practice in class. We all are practicing in class current affairs till exam, right? Please download this and revise these all 4 months current affairs, because in these 4 months current affair we have selected important current affair especially for your exam. So don't forget to study these current affairs. Please complete this timely. अमृता सिंह सर, आज का भी क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं अमृता जी? आज का भी किया है? ओके okay? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस सम मोर करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर एग्जाम। एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।